हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइज, मैं भी अच्छी हूँ। और आफ्टरनून का टाइम है, जो लंच वगैरह सब हो चुका है, बट आज संडे तो बच्चे घर पे ही हैं। हाँ, तो मेरा बेटा भी कह रहा है कि हाँ, तो जो भी मेरे भतीजे और भतीजी वो घर पे ही हैं। और वो कह रहे थे कि चाची, आज आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में, पास्ता और मैगी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, बनाती हूँ। तो कुछ जुगाड़ कर लिया है मैगी और पास्ता बनाने का। हाँ, तो वही हम लोग बनाएंगे। और मेरा बेबी यहाँ लेटा हुआ, देखिए। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो, सबको हेलो बोलो, हेलो कहो, हेलो। तो जो मेरा बेबी है, अभी मालिश वगैरह करवा के अपनी बड़ी मम्मी से और सो रहा था, तब तक मैं तैयार हो गई थी। मैंने कहा जब तक मैं तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि मैं नहा चुकी थी, बट ये रो रहा था, तो मैंने सोचा इसे पहले मना लेती हूँ, दूध पिला लेती हूँ। तो दूध पिलाने लगी तो ये सो गया था। और मैं जो है तैयार वगैरह हो गई हूँ। अगर देखिए, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बिछा रखा है मेरे बेड पर। एक्चुअली क्या है कि जो मार्केट वाला गद्दा होता है वही है इस पर, और जिसके ऊपर मैं बिस्तर बिछाती हूँ वो मैंने धूप में डाल दिया। मैं इसे धूप में डाल देती हूँ ताकि दिन भर गर्म हो जाए धूप के अंदर, क्योंकि ठंडा मौसम है तो बेबी को ठंड लगेगी, है ना, ठंड लगेगी। हाँ, और जब ऐसे गर्म हो जाता है ना दोपहर में, तो गर्माहट रहती है रात को, तो इसीलिए मैंने अभी ऊपर डाल दिया। तो इसमें मैंने कुछ नहीं बिछाया था, मैंने कहा उसे धूप में डाल दिया, जिससे जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता ही है, बच्चों का, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कितना ख्याल रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने उसे धूप में डाल दिया है। और जो मेरे भतीजे और भतीजी, वो मम्मी जी और पापा जी के साथ गए हुए खेत पे, कुछ काम था। कुछ सरसों और मसूर की जो दाल होती है, आज वो उगाने के लिए, जैसे डालना है खेतों में, तो वही चले गए थे ऐसे ही घूमने के लिए। संडे है तो बोले हम भी चलेंगे, तो वही अपने दादाजी और के साथ गए हुए। थोड़ी देर में आएंगे तो हम लोग चलेंगे किचन में और ऊपर छत पे, और बनाएंगे अपना जो भी है हमारा आज का, बच्चों ने जो भी बोला है वो बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जब तक मेरे बेबी से मिल लीजिए आप लोग। बोलो हाय करो, हाय करो, हाँ ऐसे करो, देखो देखो देखो। तो ठीक है गाइस, बने रहिए तब तक मेरे ब्लॉग में आप। तो गाइस, अब हम लोग जो चाउमीन बना रहे हैं, बच्चे वगैरह आ गए थे खेत से, तो हम लोग आ गए थे बनाने के लिए। और ये जो चाउमीन बना रही हूँ ना मैं, वो मैं मैगी की बना रही हूँ। जो नूडल्स है वो मैंने मैगी वाला ले रखा है, चाउमीन वाला नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये विलेज एरिया है, तो यहाँ पे नहीं मिलती चाउमीन, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मैगी की बना के खिला देती हूँ, क्योंकि मैं इन सबको फर्स्ट टाइम मतलब बना के खिलाती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं मेरे बनाने का तरीके से इनको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि विलेज में ना जो बनाते हैं ना हम लोग सिटी में, उस तरीके से नहीं बनती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बना के खिला के देख लेती हूँ कि इन लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता, तो वही मैं बना रही थी। और गाइस, जो चाउमीन में ये जो चाइनीज़ नमक जो सॉल्ट होता है डलता है ना, जो अजीनोमोटो, वो मैंने स्पेशली यहाँ शॉप पे से कह के मंगवाया था। और बाकी सब तो आइटम जो है वो मैंने अपने मायके से ले आई थी, मेरे मायके में ही था तो मैं ले आई थी। बाकी मेरे ससुराल में इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते थे, तो वहीं से मैं ले आई थी। मैंने कहा एक्स्ट्रा पढ़ाई ले आती हूँ मैं। और गाइस, ये जो चाउमीन थी ना, सबको बहुत पसंद आई, बच्चों को तो खासतौर से बहुत पसंद आई। और बच्चे कह रहे थे कि ना, अब पापा से जो बड़ा जो मैगी का, सॉरी चाउमीन का जो पैकेट आता है ना, रियली चाउमीन का, वो मंगवाएंगे। तो मैंने कहा हाँ मंगवा लेना, फिर मैं ढेर सारा बना दूँगी, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। तो काफ़ी हैप्पी थे खा के बच्चे। तो गाइस, नाइट का टाइम हो चुका है और बस अभी हम लोग जो है सोने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेरे साथ जो है मेरी सासू माँ, जो मम्मी जी, वो सोती हैं और मेरा बीवी सोता है मेरे साथ। और मैंने सोचा कि सोने से पहले जो आज का ब्लॉग है वो मैं उसे एंड कर देती हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ पे निशान, दो चार दिन पहले ही ये जल गया था और बहुत दर्द करता है। जब मैं कपड़े धोती हूँ या फिर आटा वगैरह लगाती हूँ तो ज़्यादा दर्द करता है, और इसीलिए मैंने जो चूड़ी वगैरह वो भी निकाली थी, ये पहनी हुई है। और गाइस, ये जो आज मेरा बीबी है बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो पता चला कि जिसका मुँह है उसके अंदर छाले हो रहे हैं। तो गाइस देखिए, देखिए मेरा बीबी जो सो रहा है अभी, और थोड़ी देर पहले मैंने इसके जिस मुँह में ना ये वाली दवाई लगाई है, और इस दवाई का क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ लहसुन ही ऐसे कुछ दवाई बोलते हैं। तो मेरी सासू माँ ने बोला था कि ये लगा देना उसके जिस माउथ में, पूरे अंदर लगा देना,
साइड में और टंग के ऊपर और ये सब लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो दो तीन बार से लगाना है, तो मैंने एक बार तो लगा दिया और अब ये सो रहा है। तो गाइज बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।